10 साल बाद हम दोबारा अपनी मूवी यहाँ पर चलाकर आप सबके प्यार को इतना पा रहे होंगे एंड अर्चना सिंह वाव पूरन का गी नहीं बट इतनी सारी अर्चनाओं की वजह से ही ये रचना हुई है कि हम लोग पार्ट 3 तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत 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 बड़ा थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म दैट इट इज नॉट जस्ट अस दैट कीप मेकिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू and the entire love that we get showered with जिसकी वजह से हम part 3 तक पहुंच पाए और आज हम इसका decade मना रहे हैं। Thank you. Thank you अर्चना। एक मिनट की बात है, वापस से मैं तुम्हें उठा लूँगी। I swear. ठीक है? It can't just be fine, baby. We're talking to Pulkit. Are you crazy? Listen, my next question. दस साल हो गए। Can we please ask Varun Sharma the next question? Varun, सबसे पहले तो आप बताइए कि एक कोई सपना आता है आपके जीवन में जो repetitively आया है और आता ही गया, मतलब बचपन से लेके फिर जवानी फिर और जवानी। भाई मेरा ना एक सपना है, जब हमारा कॉलेज का पहला दिन होगा ना, दोनों भाई घोड़े पे जाएंगे कॉलेज। तू सफेद घोड़े पे, मैं काले पे। दोनों ने काला चश्मा, लंबी चेन वाले जूते, लाल कमीज और काली पैंट पहनी होगी। भाई लड़कियां मार पिटेंगी हम दोनों पे। गॉड, सो मुझे बता रहे थे कि आप यू नॉर्मली से दैट यू लव अदर पीपल कॉलिंग यू चूचा बट यू हेट इट इज व्हाट मिरिक वाज सेइंग। व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट दिस? व्हाट इज द ट्रूथ?
I love Chucha. देखो director sir गलत है. एक सेकंड आपने आप एक सेकंड. Chucha, Chucha, Chucha. आपने fumble notice किया था? I mean what film it is? Because of course I love. क्योंकि ये Chucha से ज़्यादा भोली को प्यार करता है इसलिए. No, but it is. It's a big blessing. It's a big blessing. आप आपके किरदारों के नाम से आपको अगर पुकारा जाए, I think there is nothing a better feeling for any actor. Sexa, 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 sexa. Gudu bhaiya, gudu bhaiya. तो ये है नहीं गुड्डू भैया चलेगा वो भी एक्सेल का है. हाँ एक्सेल का ही है. सेक्सा कैंसिल करो. My next question, before I ask this question, I just quickly want to congratulate Richa and Ali because I couldn't do it in person. Whoa! देखो गलत है जफर भाई भोली को ले गए. जफर जितने भोले थे उतने ही भोली भोले officially Chucha भोली का हाथ जफर के हाथ में देता है. चूचा तू दे रहा ये फुल फॉर्म में आज. Not making it any more obvious. Thank you. Your reception है रिचा और अली का. चलो घर चलो अभी खाना खाना. गिफ्ट निकालो सब चलो अभी. हमें गिफ्ट देना चाहिए. अच्छा वो जफर भाई भोली को ले गए. अब नीतू मैम मेरी हैं. Credit what comes in. अबे म्यूजिकल चेयर चल रहा है यार. Debit what goes out. Debit what goes out. ये बाहर भुजिया ढूंढ रहा था कि लगा के जाऊंगा अंदर. रिचा दिस सीटी कौन बजा रहा है? तू है? सारे ही हैं. लेजिट है. जफर के अंदर का म्यूजिशियन कह रहा है अभी एक सेकंड के लिए सीटी मत. अबे यहाँ बंबई में बहुत है ऑलरेडी सब पॉ 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 सब बज रहा है बाहर. World no honking day tomorrow, but today, Richa Chadha, let's celebrate you. I think you're one of the finest actors of the country, and to do a role jahan pe negative shades hain, but you're not trying to poison your bhabhi ke haath ka bana chole, and you're doing this fantastic kirdar called Bholi Punjaban, changing it for everyone to come out for OTT platforms today. I think you set the mark. So how does it feel? And what gives you the courage to keep doing things which are different all the time? Richard, meri turn. Mujhse baat kar. No, I was thinking. Finest actors mein usne Manjot samajh liya. That's true. But I think for any character, I think I'm blessed ki ye kirdar mujhe baad mein mila. Pehle kisi ne likha, isko socha aur हिंदी फिल्मों में कम से कम मैंने ऐसे फीमेल कैरेक्टर तो अब तक नहीं देखा है. तो आई थिंक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. मृगदीप विपुल विग ये कैरेक्टर इन्होंने पैदा किया और फिर इतना ऑथर बैक कैरेक्टर मुझे मिला. आई एम ब्लेस्ड. आप दोनों का बच्चा है. सो या विदाउट राइटर्स वेयर वुड वी बी. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर रिचा चड्ढा एंड विपुल विग एंड मृगदीप फॉर राइटिंग दिस कैरेक्टर. मुझे ना एक सवाल आपके लिए दिया हुआ है कि जो आपने फिल्म की 10 साल बाद शादी हुआ तो कितना अमेजिंग इन्वेस्टमेंट रहा. माय बेसिक क्वेश्चन टू यू इज व्हेन यू वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म लिटिल डिड यू नो दैट अरे दिस इज गोना हैपन और लाइक यू हैड लाइक थोड़ा इल्म किया. अच्छा नहीं कोई आईडिया नहीं था यार. नहीं मैं बस बहुत बड़ा फैन था. मैं पीछे पड़ गया. और कमाल की बात ये हम में से किसी को भी नहीं पता था. नहीं इसलिए पार्ट टू हुआ. पार्ट टू के बाद मैं ऐसा इधर आ गया हूँ. पार्ट थ्री में मैं नहीं हूँ. ये शादी करने के लिए फुकरे कर रहा था. ये पॉइंट इज पॉइंट डन मेड हो गया. नहीं इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी और ये प्रोसेस चलता रहेगा. मेरी दोस्तियाँ कायम हो गई हैं और मेरी लाइफ सेट है तो मैं बहुत खुश हूँ. पार्ट फोर बनेगा तो मैं वापस आऊँगा. Oh man, I'll keep crashing interviews anyway for all you guys. So, हाँ क्योंकि एक 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 थोड़ा सा उधर एक kingdom और है जो हमें उसका take care करना पड़ता है. वो है. Thanks. Thank you. मैं बस कर पिटेगा तू कौन है?
सुनो स्वीटी मर चुकी है. मर गई, मर गई. अब भोली पंजाबन ने मार दिया उसे. मंजोत हाँ जी. Just the most enduring character for me in Phukre. Really? Very enduring, very nice, angelic. मेरा बड़ा मन था कि मैं आके ना भुजिया निकालूं, मतलब, but ठीक है, it's okay. नहीं 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 फिर कभी. अगली बार मैं लगा के आऊँगा. Great. Now my सवाल to you is कि what attracted you to play मंजोत? मंजोत नहीं. बल्ली. Same same. लाली सर. Attracted तो पता नहीं. I think initially जब आप grow कर रहे होते हो तो व्हाट आई फील एक एक्टर चूज नहीं करता कैरेक्टर. कैरेक्टर अपने पास एक्टर के पास आता है. मैं आ रहा हूँ उसी पे. पर मेरे लिए अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ये थी कि यार एक्सेल की फिल्म है, यू नो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म, इतनी कल फिल्म बनाई हैं उन्होंने. रॉक ऑन, दिल चाहता है, लक बाय चांस, फुकरे, अपनी पे अपनी पे. तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी एंड वन ऑफ द लीड्स ऊपर से पोस्टर पे दिख रहे हैं. इनिशियली मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मेरी पहली फिल्म थी जिसपे मैं पोस्टर पे आया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. एंड वर्किंग विद एक्सेल टीम एंड अमेजिंग राइटर एंड डायरेक्टर एंड मी, तो एंड ऑफ कोर्स अली एंड एवरीवन. सो या, दैट वाज अ बिग थिंग. और ये आई थिंक ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी सबसे ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट. उसके बाद मैंने साइन करने के बाद पढ़ा था लाली का कैरेक्टर. मतलब पहले प्रोडक्शन और बाद में सब कुछ ना. थैंक्स थैंक्स मंजोत. क्या जस्ट सेइंग थैंक्स. यू आर वेलकम एनी टाइम. कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स अप टुगेदर फॉर मंजोत. विशाखा जी, आपसे एक सवाल क्विक सवाल, फिर वापस ऑफ कोर्स विल कम बैक टू द फिल्म. अकाउंट्स में कैसी हैं आप? मस्त एकदम फुल ऑन या अकाउंट्स में? बहुत अच्छी. वेरी गुड. बहुत अच्छी. मुझ जैसे वाज दैट योर ऑडिशन? मुझ जैसे इंसान की अकाउंट्स ठीक कर दी इन्होंने, तो सोचो कैसी होंगी. अबे ये वर्ल्ड में खेल रही हैं. अभी भी जवाब नहीं मालूम, पता है ना तेरे को? अभी भी नहीं पता है. अच्छा क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या होता है बताओ जरा, सबको बताओ. हैं क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट. हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में. उधारी जो अंदर आती है और जो चुकाते हैं वो बाहर जाता है. मेरी जो थोड़ी बहुत थी वो उड़ चुकी है. इट्स एवेपोरेटेड वेरी वेरी क्विकली. व्हिच इज योर फेवरेटेस्ट मोमेंट, योर फेवरेटेस्ट मेमोरी फ्रॉम द डेज ऑफ शूटिंग ड्यूरिंग फुकरे? सो यू नो व्हाट, जब पिक्चर साइन की एंड द फर्स्ट डे आई केम ऑन सेट, माय फर्स्ट सीन वाज जफर लॉटरी लग गई, राइट? एंड मैंने 11 टेक्स दिए एंड आई वाज लाइक, आई वाज द वर्स्ट एक्टर. 11 टेक्स एंड आई केम बैक टू द वैनिटी, वहां पर लाली एंड चूचा वर देयर. आई वाज लाइक, यार ही मैंने 11 टेक्स दे दिए एंड दे लाइक, बस हम तो 23 दे के आए हैं. माय हाईएस्ट इज 33 टेक्स. सो यार कहा था वर्कशॉप कर लो पहले. सो या, द बेस्ट मेमोरीज ऑफ कोर्स, आई थिंक वी डिडंट एक्सपेक्ट, वी वर जस्ट फिल्मिंग एंड ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्सेल फिल्म, गॉट टू मीट ग्रेट फ्रेंड्स एंड एवरी डे वाज सम फन और द अदर, एक्सेप्ट फॉर जफर. आई रिमेंबर अनदर सीन जिसमें इसके 23 टेक्स थे एंड पीछे ऑल अली हैड टू डू वाज जस्ट वॉक. एंड ये तो फिर भी किया जा रहा था, ये आई थिंक ये पक गया था तब तक. 23 टेक्स में ऑल ही हैड टू डू वाज जस्ट वॉक. What a walk, yaar. What a walk. Can we please put our hands up together for Vishaka? My next question is for Priya Anand, of course. And just your look to Pulkit. Isko patang udani aati hai ki nahi, pehle puchho. Haan ji? Isko patang udani aati hai ki nahi aati hai? Friendship karogi? Nahi karogi. Kanni dena aata hai? Nahi. Sirf friendship karni aati hai. Fukre boys par vishwas karna aata hai? बिल्कुल नहीं. मेरे पे तो कर सकते हो. तुम किधर लाइन मार रहे हो, इधर या उधर, डिसाइड करो. योर सवाल फॉर योर, द सवाल फॉर यू प्रिया इज, फिल्म खत्म हो गई एंड देन व्हेन यू वेंट बैक होम, डिड यू हैव लाइक सेपरेशन एंजाइटी? भाई खत्म हो, इतने मजे. I was actually really happy. नहीं, शी वाज वेरी हैप्पी. या लाइक विशाखा सर, वी हैव ऑलवेज डन सो मेनी टेक्स. फिल्म में माय नेम इज प्रिया, माय नेम इज आल्सो प्रिया, बट आई डब्ड एंड आई सेड माय नेम 36 टाइम्स. And it gave me like anxiety about like identity crisis, like have I been saying my name wrong my entire life, like Priya, 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 Priya. Aur inke entire life ki accent ki wajah se hi. But. Tum toh pitoge stage pe. Inke thode se retakes hote the.
There was only one scene that we did on one take. Do you remember, Pulkit? जिसमें मुझे थप्पड़ पड़ा था, जिसमें मुझे थप्पड़ पड़ा था और उसके बाद इसकी पांचों की पांचों उंगलियां यहाँ पे छपी हुई थी. So when you see Luck Guy Lottery, you'll see the promo song. He has my finger marks on his cheeks. It didn't go till 2 days. And 10 years later, we're here. So can we please clap for the whole cast, whoa, for the makers? Because all of us are here to celebrate this fantastic film, kuch sawal hain, which is going to come from our very esteemed fans, jo seetiyan maar rahe hain, taaliyan maar rahe hain, aur consistently apna samay nikal ke aaye hain, to taaliyan zara inke liye. Yes. Yes. Thank you. The first sawal is going to come from Khushi Soni. Khushi, just put your hand up so that we can give you the mic. Who's this? Kya naam hai? Khushi Soni. Ghar chali gayi kya? Khushi Soni. Khushi. Khushi Soni. Ek Khushi beta, pani pak gayi. All right. Okay, we'll move on to the next name, Nitisha. Nitisha, if you're here, please put your hand up. Yes, there you are. Nitisha, where? Ah, there. There. Hi. Nitisha ka sawal is lovely. Hi. Hair, yaar. Thank you so much. Yeah, go for it. Okay, my question is to Mrik sir. First of all, congratulations. Thank you. Okay, since the film is set in Delhi, and even you're from Delhi. Right. So, from your personal life experience, did you take any inspiration from the city? Yeah, of course. Like when I walked in, that was my first thing that I said, that we both are from Delhi. And when we started writing, we went back to our childhood memories, our growing up years, and whatever we could recollect, we started putting them on paper. Okay. And then around that, we weaved in a story, and that's how Fukre was born. Lali's part is like a semi-autobiography, where I also wanted to be in my crush's college. Oh! So a lot of things are from my and Vipul's life. And yeah, so city is of course, we are missing Pankajji, Panditji, the college watchman. And the other character that couldn't make it here is the city, Delhi itself. Because that's दिल्ली वाले आए कि नहीं आए कोई यहाँ पे? That's your major. बात आ गई, दिल्ली आ गई यार. Yeah, so I think that answers. Thank you. Mrik. Thank you so much, Nitisha. Can you please clap for Nitisha as well quickly? नहीं, but आपने भी tuitions ली थी accounts की किसी से? नहीं, इतना नालायक नहीं था. मैं direct पैसे दे दिए थे, ठीक है, book rate के बाद. Can we please ask the next guest and fan, Sanjay Arora, who's got a question for Manjot Singh. Sanjay Arora, there. Mere liye? Oh my God. Please put your hand up. उनके साथ में वो दीदी बैठी है ना, वो भी बहुत देर से हाथ उठा रही थी. Hello, Sanjay जी. हाँ, आपकी आपकी दीदी हैं. दीदी. She's my wife. अरोड़ा जी, बोलिए अरोड़ा साहब. नमस्ते. बिल्ले का बेटा. हाँ जी. तू बिल्ले का बेटा है? Huh? That scene is the favorite scene for both of us. We have seen the movie many times, and okay, we celebrate what you guys have done. Thank you so much. And yes, definitely, I wanted to ask, what is your favorite scene out of this movie, and how and why? मेरा favorite यार scenes बहुत सारे scenes हैं favorite मेरे. मैं बता दूँ. Favorite. हाँ, please बताओ ना. बताओ. इनका थप्पड़ वाला सीन यार, एक इनको थप्पड़ पड़ता है. मैं रिहर्सल हो रही थी, मुझे दरवाज़ा खोलना था और इंस्पेक्टर से मुझे थप्पड़ पड़ता है. मैंने रिहर्सल में मैंने दरवाज़ा खोला और खींच के मुझे थप्पड़ पड़ा बहुत ज़ोर से. मैंने एकदम से बोला, ये रिहर्सल थी ना, ये इतनी तेज़ कैसे मार रहे हो? और सब हंस रहे थे और मुझे हर टेक पर बहुत तेज़ चाटा पड़ा है. आई थिंक किसी ने कान भरे थे कि इसको रियल में मारोगे तो इससे एक्टिंग निकलेगी. तो आई थिंक तभी वो मेरी एक्टिंग निकली. मैं ये बताना चाहूंगा, वो इंसान यही था जिसने कहा मुझे सच में मार देना. यस, हर बार सच बोलना जरूरी है. तो आपका कैरेक्टर ही इतना क्यूटी है, वो हर बार सच ही कह देता है. वेल, थैंक यू सो मच अरोड़ा साहब. एंड आपकी वाइफ का नाम क्या है प्लीज? Hi, I'm Shweta. Shweta, thank you so much for watching Fukre, because it's worth so many watches. Yeah, I've seen it n number of times. Oh, I'm a big fan. It reminds me of my birth city, Delhi. I am settled in Mumbai now, but आपने इतने अच्छे से उसको दिल्ली का दिल्लीपन दिखाया है फिल्म में, सबका with dialogues, and everybody has done so well, taken the language so well. I'm a big fan of each one of you.
many, many congratulations for your movie and all the best. Thank you so thank much. You so thank, much. Thank you. Thank you. मेरा बड़ा मन है गाजर का हलवा बना के खिला दूँ आपको. So sweet. भाई गाजर का सीजन ही चला गया है. कोई बात नहीं ना, फिर तो आएगा ना. ऐसी क्या बात है, आज खत्म थोड़ी हो रही है दुनिया. अरे फकरे 3 भी तो आएगी. Can we please ask the next fan, Dimple, if you could ask a question? And Dimple's got a question for Pulkit. Dimple. Dimple. Yes. Hi Dimple. किधर है Dimple? In fact, Dimple की बहुत ही lovely story. फिर कभी बताऊँ. Lovely story. Dimple. पहले Dimple की story बताओ पहले. So नहीं नहीं ऐसे मत करो. So my husband is here. So because of him, we have rewatched Pokhre multiple times. कभी आपने stage पे किसी के Dimple वापस जाते हुए देखे? So you know. अच्छा ये तुम्हारा जरिया था सवाल तुम पूछ रहे हो डिंपल का नाम लेके. So back in 2013 we had just joined first year college and you know when we were growing up Phukre had released so we always felt like we have grown up you know as the movie has grown up so firstly thank you for this film. Thank you for making us feel old. Thank you so much yaar. Yeah. Thank you so much. And thank you for the memories because as much as the millennial generation relates to it, I think even the youth of today, the Gen Z people relate a lot to Phukre. And the question is for all of you. I mean, did you think that it will make the impact that it has on today's generation? And as you are making parts on parts, what are you keeping in mind? Director sir. Yeah, I think parts on parts. Because he said he is not stopping till past X. I think the honesty, just honesty और सच्चाई के साथ हम इस फिल्म पे काम करते हैं. जितनी प्यार से, मोहब्बत से और जितना दिल्ली का फ्लेवर सच में जो ऑनेस्टी रख के लिखी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है, इट विल कनेक्ट टू एनी जनरेशन, बीट टुडे, बीट 10 इयर्स लेटर एज वेल. और सच्ची मुझे नहीं पता था कि हम 10 साल आज मना रहे होंगे इस फिल्म के इतनी खुशी के साथ. मतलब नॉर्मली ऐसे हम कर भी देते हैं कि हाँ ठीक है पोस्ट डाल दिया, आज 11 साल हो गए, 10 साल हो गए, बट वी आर जेन्युइनली सेलिब्रेटिंग इट विद पीपल हु रियली लव द फिल्म. सो आई फील दिस इज अ टाइमलेस क्लासिक. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फिल्म. एंड हम लोग जब भी ये फिल्म बनाते हैं, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर का फ़ैन भी जो है ना इस फिल्म का, वो भी खुश हो. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न इट वर्क्स विद एवरीबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर मेकिंग इट. ऑल्सो हर इस फिल्म के ज़रिए सबसे ज़्यादा खुशी जो हमको भी होती है, पता चलता रहता है या बात होती है, सोशल मीडिया पर कहीं आता है, कि हर ग्रुप में एक हनी है, हर ग्रुप में एक चूचा है, हर ग्रुप का एक लाली है, हर ग्रुप का एक जफर है, ग्रुप में भोली है, ग्रुप में पंडित जी हैं. सो द रिलेटेबिलिटी एंड द फ्रेंडशिप, यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ Phukre, इट इज सेलिब्रेटिंग 10 years ऑफ फ्रेंडशिप, यू नो. सो इट इज जस्ट सो ब्यूटिफुल हाउ इट्स गॉट एक्सेप्टेड सो ब्यूटिफुली. सो या सो थैंक यू मृग सर, विपुल सर एंड द इंटायर टीम ऑफ एक्सेल. थैंक यू फॉर मेकिंग इट. थैंक यू. इसकी होगी एक और साइन होगी एक्सेल के साथ. थैंक यू सो मच डिंपल. तुमने तो सवाल पूछा ही नहीं, पति को थमा दिया माइक. हां डिंपल तुमने पूछा नहीं. हां पुलकित के लिए सवाल ही बताई. ये सेम ही सवाल था. ही इज अ बिगर फैन ऑफ Phukre हैंस आई पास्ड इट टू. ओके एंड यू आर हिज फैन. थिंग्स वी डू फॉर लव. सो स्वीट, कैन वी प्लीज क्लैप फॉर डिंपल एंड फॉर प्रतीक. एंड प्रतीक यस यस. द लास्ट फैन क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम श्रेयांश तिवारी. श्रेयांश ओ हाय. एंड दिस वन्स फॉर अली. अली अप क्लोज. ये वाला ले लो यार. मुझे पता है सवाल क्या है. भाई आ रहा है. हाय अली. बीआई चल रहा है. आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू सिंस आई एम वाचिंग द मूवीज एंड वेब सीरीज लाइक रिसेंटली. सो माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव डन अ वेरी काल्म रोल इन दिस मूवी एज अ म्यूजिशियन. सो आई जस्ट वांट टू क्वेश्चन अबाउट योर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. अलग हमने सब अलग सोच रहे थे. थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. मैं इनफैक्ट उस फिल्म के बाद Phukre के बाद भागा हूँ गिटार से, क्योंकि मेरी सारी इमेज ही वही हो गई थी कि वो कहीं जहाँ भी अली मिलेगा वो टुनटुना रहा होगा. तो बट म्यूजिक का बहुत शौक है. यस सुनते हैं और थोड़ा बहुत बजाते हैं, ज़्यादा नहीं. प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं. और हाँ बस एक्टिंग अच्छी कर लेता है इसलिए तुम्हें लगता है गिटार भी आता है. कैन वी प्लीज क्लैप फॉर श्रेयांश तिवारी. थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली क्वेश्चन.
अब मैं वरुण से पूछना चाहती हूँ, आपके पास क्या सवाल था अली के लिए? आपके दिमाग में भी आपने सोच रखा था ना कि सवाल भी आने वाला है, क्या सवाल था? अब नहीं पूछा। मैं? नहीं नहीं नहीं, वरुण के पास अली के लिए सवाल कोई नहीं, पार्ट थ्री Well, part 3 ke bare mein we've got a quick announcement, but before that can we please ask our media people, the people who can just click quick pictures along with the cast and crew and all the fans, thank you so much for being here. Can we please clap for you all and clap thank for them. thank you guys bade maza karwa diye yaar aapne fukre ne, thank you so much acha ek baat batao yaar, aap sabhi bhi yahan par ho hi, ticket bhi aap log hi khareedte hain. क्या आप लोग